ईवी टेक लवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये सिल्का काल सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है, शायद दो या तीन वीडियो इसमें और आएंगे। दोस्तों, उन वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा। और ये जो वीडियो है दोस्तों, ये हम एक हिल टॉप के गांव, जो उत्तराखंड हिमालय की जो टॉप में, जो सिल्का खाल से भी ऊपर है, उस गांव में जाएंगे। और वहां पर जो मेरे पिलियन हैं, मेरे मित्र गैराला जी, वहां पे उनकी ससुराल है, उन्होंने बताया बहुत खूबसूरत गांव है, तो हमने वहां जाने का फैसला किया। चलो दोस्तों, चलते हैं चासकंडा। दोस्तों, अब निकलेंगे हम सिल्का खाल से चासकंडा। ये देखिए, और ये म्यूजिक के साथ, चलो ससुराल म्यूजिक बजा के जाएंगे, सिर्फ बैंड बाजे बजा के क्यों कह रहे हो जी, ससुराल बैंड बाजे बजा के। इस सिल्का काल से गैराला जी की ससुराल की तरफ जा रहे हैं चासकंडा। OS 2.0 का इस्तेमाल किया जा रहा है सर, ये म्यूजिक के साथ। लेकिन देखते हैं कहीं ओला का रुकने का आदर्श ना आ जाए। नहीं, अब नहीं रुकेगा। ये कटहर जी के यहाँ से काफ़ी आराम कर चुका था ओला। दोस्तों, ओला का ये जो संगीतमय सफ़र है, ओला ने जो सफ़र को संगीतमय बना दिया है, ये आपको कितना पसंद आ रहा है? और साथ में ये उत्तराखंड का जो प्राकृतिक जो सौंदर्य है, इसके बारे में भी आप अपनी राय दे सकते हैं। ये सिल्का खाल है? अच्छा, ये सिल्का खाल इंटर कॉलेज। अरे वाह, हाँ, ये बहुत बहुत खूबसूरत। अच्छा, ये सिल्का खाल इंटर कॉलेज दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये सामने। और ये वैली देखिए आप, ये इसको कौन सी वैली बोला, क्या है, कड़ाकोट। ये नागराजा धार कड़ाकोट का इलाका ये सामने दिखाई दे रहा है, सामने नागराजा धार कड़ाकोट का विद्यालय दिखाई दे रहा है। ये देखिए, हाँ हाँ, चले चल बैठो, देख देख यहीं से। दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है उत्तराखंड के गांवों का टिपिकल पतला और चढ़ाई वाला रास्ता, तो इसलिए गैराला जी ने यहाँ पे थोड़ा उतरने का फैसला किया। और यहाँ तक मैं सिंगल ही ड्राइव करके लाया, और इससे आगे ये सीमेंटेड रोड आ गई, सीमेंट लगा हुआ रोड है, क्योंकि गांवों का आजकल अच्छा विकास हो रहा है। तो यहाँ से गैराला जी मेरे साथ चलेंगे, तो देखते हैं कि ओला इस टेस्ट को पास कर पाती है या नहीं, या चढ़ पाती है या नहीं। चलो दोस्तों, चलते हैं चढ़ाई पे। और ओला देखिए काफ़ी ठीक ठाक, ये नॉर्मल मोड ही है दोस्तों, नॉर्मल मोड में ही चल रहे हैं। और ये लगभग हमारी गांव में एंट्री हो गई है। जाना हमने मनीषा घर है मंजर, हाँ देखते हैं, नहीं आ पाएगा। ये है, ये गैराला जी हैं, गैराला जी की ससुराल हम आ गए हैं चासकंडा में। ये देखिएगा, ये चासकंडा गांव, और ये सामने प्रकृति का शानदार नज़ारा, ये देखिए। दोस्तों, ये आज ओला पहुंच गई है उत्तराखंड के एक गांव में, जो सिल्का खाल के पास है, चासकंडा। चलिए चासकंडा की सफ़र करा सैर कराते हैं आपको। ये देखिएगा, बिल्कुल चासकंडा की नैरो गलियों में ओला। ये देखिएगा, बहुत ही नैरो गलियों से होते हुए देखिए ओला। देखो ये चासकंडा की, देखिए गांव के बीचों बीच से होते हुए जा रही है। देखिए, ये देखिएगा यहाँ पर, ये ओला देखिए।
ये ओला देखिए, चासकंडा की गलियों में। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कभी ओला आपने कभी हिल टॉप के किसी ऐसे गांव में यूं जाते हुए देखी है। देखिए ये कितनी पतली गली है, बहुत ही संभल के चलना पड़ रहा है दोस्तों। देखिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, हमें भी तो पता लगे कि आपका आपके मन में इस समय क्या चल रहा है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे ज़्यादा तेज चल नहीं सकते, बहुत संभल के आना पड़ रहा है दोस्तों। देखिएगा ऐसे सफ़र का भी दोस्तों अलग ही आनंद है। मज़ा आ गया दोस्तों, मज़ा आपको भी मज़ा आ रहा होगा। देखिएगा कभी आपने देखा कहीं ऐसा सफ़र? ये देखिए ये पहाड़ के गांव की जो टिपिकल जो पत्थर लगे होते हैं, जो आंगन में फटले बोलते हैं इनको, उसके ऊपर से मैं ये ओला को ले जा रहा हूँ। अब बैक करना पड़ेगा, गाड़ी को खड़ी करने के लिए कोई सुटेबल जगह देखनी पड़ेगी। देखता हूँ, चलो मोड़ा जाए, चलो देखते हैं यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे करके, इधर इधर थोड़ा ठीक रहेगा आगे, जिधर से मैं आया था उधर ही को खड़ा करते थे, जाने में आसानी रहेगी। ये रहा दोस्तों, ये खड़ी कर दी मैंने यहाँ पे गाड़ी, ये ओला पहुँच गई है चासकंडा। देखिए गैराला जी के ससुराल में ये पहली बार ओला किसी ऐसे मतलब जो गांव होगा पहाड़ के किसी गांव में पहुंची होगी, और वो भी लगभग 1500 मीटर से ऊपर की हाइट का गांव है। ये देखिएगा ये मनीष जी हैं यहाँ के प्रधान जी, आज इनके अनुरोध पे हम यहाँ पे पहुँचे हैं। देखिए प्रधान जी ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, प्रत्येक घर में ये देखिए ये और भी बाइक्स वगैरह वगैरह बाइक सारे घर में पहुँच जाते हैं, बहुत ही सुंदर व्यवस्था कर रखी है। दर्शकों आपने शायद ही कभी मतलब ऐसा दृश्य देखा होगा ओला के साथ कि वो किसी पहाड़ी गांव में इतनी संकरी गलियों से गुजरी होगी। ये देखिए दोस्तों अब हिलका सफ़र तय करते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं। हमने ये देखिएगा लगभग हमने 27 किलोमीटर का हमने सफ़र तय किया, और इस दौरान हमने 49% बैटरी कंज्यूम की, 51% बैटरी रिमेनिंग है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट ज़रूर करें। और दोस्तों आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जिसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, अपने बेल आइकन को ऑन करना होगा ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल जाए। वो ये है कि इस सीरीज़ के दोस्तों 3 वीडियो आने वाले जो बहुत ही कमाल के हैं, इंतज़ार कीजिएगा दोस्तों।